यूपी हो या फिर उत्तराखंड, कावड़ियों पर फूल बरसाती तस्वीरें बयां करती है कि योगी के लिए कावड़ियों की अहमियत क्या है। वैसे तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी योगी के काम करने के तरीके के कायल हैं। तभी तो हरिद्वार में पहले तो कावड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत किया और फिर हरिद्वार में ही हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात के जरिए संदेश दे दिया कि हिंदुत्व से कोई समझौता नहीं। तभी तो याद कीजिए, पहले की सरकारों में डीजे पर रोक थी, कावड़ियों के साथ बदसलूकी की खबरें छपती थी, मगर अब योगी का राज है। योगी के राज में कावड़ियों पर फूल बरसाए जाते हैं और धामी भी दिल खोलकर कावड़ियों के चरण धोकर उनका स्वागत करते हैं। वैसे तो सीएम योगी ने एक और ऐलान किया है, कावड़ियों पर लगातार 3 दिनों तक हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ से लेकर गाजियाबाद तक लगातार 3 दिन तक हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जाएगी। इसके लिए 4 जगहों पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए बकायदा हेलीपैड को दुरुस्त कर दिया गया है। हर की पैड़ी पर गंगा जल भर रहे कावड़ियों पर फूलों की बारिश ने देश ही नहीं दुनिया में भी एक संदेश दे दिया। सावन में हिंदुस्तान का रंग और मिजाज, उसकी संस्कृति और उसकी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है कावड़ और कावड़िये। अब ये देखिए, हरिद्वार में कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से जब फूल बरसाए गए तब की तस्वीरें भी देखिए। देखते ही बनता है कि हर की पैड़ी का नजारा क्या है। वैसे तो जहां तक बात कावड़ियों की सेवा और उनकी आस्था और उसकी आवभगत की है, तो योगी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। याद कीजिए, जब योगी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर अब तक योगी कावड़ियों पर यूं ही फूल बरसाते आए हैं। भले ही योगी के फैसले को आस्था पर सियासत का आरोप लगते हों, मगर योगी इन आरोपों की परवाह नहीं करते। तभी तो जब कोरोना काल था तब भी योगी कावड़ यात्रा को करवाने के लिए तैयार बैठे थे। ऐसे में सवाल ये कि क्या योगी के अंदाज के कायल उत्तराखंड के सीएम धामी भी योगी को ही फॉलो करते हैं? कावड़ियों के चरण धोती ये तस्वीरें तो इसी की तस्दीक करती हैं। यानी योगी की सरकार में भोले की फौज करेगी मौज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।